हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हो प्रेप क्लास। मैं आपकी लता मैम आ गई न्यू लेसन के साथ। आइए जल्दी जल्दी आइए भाई, क्या बात है, आज ब्रेकफास्ट नहीं किया क्या? सिलो सिलो चल रहे हो, किया है ना? हाँ शेर हिल रहा है, किया है, बड़े अच्छे बच्चे हैं प्रेप क्लास के। तो स्टार्ट हो जाए बेटा, अपनी कॉपी पेंसिल ले लीजिए। हाँ तो सबसे पहले हम इंग्लिश में प्रेप क्लास आपको क्या देने वाले हैं, माई सेल्फ, थोड़ा सा वर्क बढ़ाया है आपका। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आई एम ए बॉय, जो लड़के हैं वो बॉय लिखेंगे, जो लड़की हैं, जो गर्ल हैं वो गर्ल लिखेंगी, ठीक है। माई नेम इज, हमने डैश लगाया है, जो आपका नेम है वो लिखें, जैसे आपका नाम है काव्या, सिवी, या बॉयज़ हैं तो उनमें आपका नाम है सिद्धार्थ या रोहन या शोनाक, जो भी आपका नाम है वो अपना नाम लिखें, ठीक है। ओके, आई एम 5 years old, या जो आपकी एज है वो लिख देना, मुझे तो सब 5 साल के ही लगते हैं, और भी छोटे लगते हैं, क्यूट क्यूट से। आई रीड इन क्लास प्रेप, प्रेप क्लास में आ गए हो। आई लिव एट भिवाड़ी, आप भिवाड़ी में रहते हो ना, तो लिखना है आई लिव एट भिवाड़ी, ठीक है। ये आपका माई सेल्फ कम्प्लीट हो गया, बहुत अच्छे तरीके से आपको लिखना है, और बहुत ईजी लाइन्स दी हैं बेटा। इसके बाद हम हिंदी में आते हैं, हिंदी में देंगे मेरा परिचय, ठीक है। मैं एक लड़का हूँ, या जो लड़की है वो लड़की हूँ, ठीक है। मैंने ऑप्शन दिया हुआ है आपको, मेरा नाम, जो भी आपका नाम है, जो मैंने पहले बोला उसी तरह से जो आपका नाम है वो अपना नेम लिखेंगे। मैं 5 साल का हूँ या की हूँ, ठीक है। मैं प्रेप में पढ़ता हूँ, लड़का होंगे तो पढ़ता हूँ, लड़की होंगी पढ़ती हूँ। मैं भिवाड़ी में रहता हूँ या रहती हूँ, ओके। मैंने दोनों ही ऑप्शन दिए हैं, लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी, बहुत सुंदर तरीके से आपको बेटा लिखना है और याद भी हो जाना चाहिए बच्चों। थर्ड सब्जेक्ट आएगा आपका मैथ, मैथ में अरे पहले से खुश हो गई, क्या हुआ, मैथ में देने वाली हूँ मैं ऐड, ठीक है, मतलब प्लस करना है, ओके। तो ऊपर मैं एक ही करके बताऊँगी, बाकी आप करेंगे, क्योंकि मैं करा चुकी हूँ आपको केजी क्लास में। ऊपर 4 है तो हमने ये 4 लाइंस खींच ली, उसके बाद नीचे भी 4 है, 1 2 3 4, मार्कर कम चल रहा है, 2 1 2। अब इन सभी को एक साथ काउंट करके इनके नीचे हम लिख देने वाले हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 10। इसी तरह से बेटा आपको ये भी करने हैं, ओके, मैथ का काम आपका कंप्लीट। इसके बाद हम लेते हैं EVS, EVS में अवर हेल्पर, मतलब हमारी हेल्प कौन कौन करता है। देखो भाई, आजकल जो चला हुआ है अपने देश में, सबसे ज़्यादा हेल्प तो हमारी कौन कर रहा है बेटा, डॉक्टर, डॉक्टर, पुलिस, स्वीपर, सबसे ज़्यादा हेल्प तो हमारी यही कर रहे हैं। तो इन सब के लिए हम और आप मिलके सलूट करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं कि ये लोग सभी अच्छे रहें, और इनके साथ साथ हम भी अच्छे रहें, सभी अच्छे रहें, ठीक है। तो डॉक्टर सबसे ज़्यादा, डॉक्टर हेल्प कर रहे हैं ना हमारी, DOCTOR डॉक्टर, POLICE पुलिस, पुलिस भी हमारी बहुत हेल्प कर रही है, SWEEPER स्वीपर, मतलब देखो जो स्वीपर सफाई नहीं करेंगे तो हम कहाँ से सेफ रह पाएंगे ना। टीचर TEACHER टीचर, FARMER फार्मर, वो भी तो बहुत हेल्प कर रहे हैं ना, गेहूँ उगाते हैं। मिल्कमैन MILKMAN दूध नहीं लाएंगे तो हम दूध कहाँ से पियेंगे और हेल्दी कहाँ से बनेंगे। POSTMAN पोस्टमैन, और WATCHMAN वॉचमैन, जो घर की रखवाली करते हैं आपके, ठीक है। ये सब स्पेलिंग आप लर्न करना, सभी हमारे हेल्पर्स हैं बेटा, और इन सभी के लिए एक बार फिर से सलूट करते हैं हम, ओके। और एक नए लेसन के साथ हम कल फिर मिलेंगे बच्चों, अपना ख्याल रखना। अरे हाँ, मैं तो अच्छा खुश हो रहे हो, मुझे लगा कि ये बच्चे खुश कैसे हो रहे हैं, होमवर्क नहीं दिया ना इसलिए खुश हो रहे हैं, मुझे याद आ गया। होमवर्क में लर्न एंड राइट ऑल वर्क, जितना हमने कराया है वही आपको लर्न करना है, राइट भी करना है, ओके, बाय बाय।